हेलो एंड गुड मॉर्निंग, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कंडेंसर और एवापोरेटर, ये दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो पहला जो डिफरेंस है मेरे फ्रेंड्स, वो ये है कि जो कंडेंसर जो होता है हमारा, वो आउटडोर एयर में हीट को रिलीज करने का काम करता है, जबकि एवापोरेटर जो होता है वो इनडोर एयर से हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, वैसे बता दूं कि एवापोरेटर को हम लोग कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे दूसरे डिफरेंस के बारे में। तो कंडेंसर जो होता है हमारा वो हॉट साइड में लगा होता है, जबकि एवापोरेटर जो होता है वो कोल्ड साइड में लगा होता है, ठंडे वाले साइड में लगा हुआ होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे डिफरेंस के बारे में कि कंडेंसर जो होता है हमारा आउटडोर यूनिट में लगा होता है, जबकि एवापोरेटर जो होता है यानी कूलिंग कॉइल, वो हमारा इंडोर यूनिट में लगा होता है। ठीक है ना, हम लोग चौथा डिफरेंस देखेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंडेंसर का इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेंट के लेटेंट हीट को रिमूव करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, एवापोरेटर कॉइल में चिल्ड रेफ्रिजरेंट रूम के हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसे एक शॉर्ट वीडियो था बेसिक डिफरेंसेस कंडेंसर और एवापोरेटर के बीच में क्या होता है। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे जो दी गई बेल की जो घंटी है उसे जरूर दबा दे भैया, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।